हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी जितनी सारी ऑफलाइन बैचेज हैं सारे ऑफ हो चुकी है। तो चलिए, आप लोग घर पे ही रहे और ऑनलाइन के माध्यम से चले कुछ हम पढ़ते हैं। तो और आप लोग अपने घर पे अपने पढ़ाई को जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे लेकर के आए हैं जिसका हेडिंग लाइन भी आप देख सकते हैं, माय मदर है, यानी माय मदर यानी मेरी माँ। माँ के ऊपर आज हम एक ऐसे समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कि क्या होता है, कैसे इसे हम लिखते हैं। तो एक एक करके समझेंगे, देखिए क्या है। मदर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग भी साथ साथ सीखते जाएंगे। जैसे वर्ड से पहला इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, ठीक है। मदर मीन्स होता है माँ। मदर मीन्स क्या होता है? माँ। इज द मोस्ट, ये मोस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री। तीन डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो होता है मच या मेनी, ठीक है। और मोर होता है कॉम्पिटेटिव डिग्री, और मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, और इसीलिए यहां पर क्या लगाया गया है? द लगाया गया है। तो मदर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली, यानी जो किसी के जीवन, दूसरे के जीवन को क्या करे? प्रभावित करे, दूसरे के लाइफ में प्रभाव डाले। तो कहता, और पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। इन द लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। और पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तो देखिए, और एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब हो गया प्रत्येक। आप इसको समझिए, बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि मदर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ जो होती है वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अपने माँ। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वह उसके माँ का पड़ता है, क्योंकि माँ जैसा सिखाएगी, जैसा शिक्षा देगी, बच्चा वैसा ही बनेगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि मदर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी माँ सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होती है जो किसी बच्चे को लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। अगर इस सेंटेंस को हम समझे, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो माँ होती है वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती है, यानी सबसे ज्यादा उसके जीवन को प्रभावित करती है। अब आगे देखिए, सी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। यहां तक समझिए, एक सेंटेंस है। सी मतलब वह, माँ क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। फैमिली जेंडर होता है, और फैमिली जेंडर के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? सी। फैमिली जेंडर सिंगुलर के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं सी। तो यहां सी यूज किया मदर के लिए, माँ के लिए। तो सी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, यानी वह बहुत ही क्या होता है? मेहनती होता है। माँ जो होती है बहुत ही मेहनती पर्सन, मतलब व्यक्ति, बहुत ही मेहनती व्यक्ति होती है। हु होल्ड्स, हु मतलब होता है जो, होल्ड्स मतलब होता है किसी भी चीज को बना के रखना या बनाए रखना, होना किसी पद, किसी जगह पे, तो बड़ा होना। होल्ड्स मतलब आप होना भी रह सकते हैं, या बना के रखना भी, कोई भी चीज थाम के रखना, पकड़ के रखना, ये सारा चीज होता है होल्ड्स। मतलब होल्ड्स द ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब होता है सम्माननीय। क्या होता है? सम्माननीय, सम्माननीय या सम्मानित, सम्मानित। ऑनरेबल मतलब होता है सम्मानित। प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह। नेक्स्ट टू द अलमाइटी, अलमाइटी ALMIGHTY, अलमाइटी मतलब होता है ईश्वर। अलमाइटी मतलब क्या होता है? ईश्वर। यानी जो माँ, सी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वह बहुत ही मेहनती होती है। और हु होल्ड्स, जो बना के रखी है, बनाई होती है ऑनरेबल प्लेस नेक्स्ट टू द अलमाइटी। नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बाद, यानी ईश्वर के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे जीवन में सबसे सम्मानित
जो व्यक्ति है वह मां होती है और सबसे सम्मानित स्थान किसी भी व्यक्ति में गॉड के अलावा ईश्वर के अलावा अगर दूसरा कोई जगह है जो सबसे सम्मानित करने सम्मानित व्यक्ति है भगवान के अलावा तो वो उनकी माँ होती है जो सबसे सम्मानित जगह बना कर रखती है। ठीक है, भगवान के बाद दूसरा जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है जो सम्मानित जगह है वो है माँ का जगह। ठीक है, तो माँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में वास्तव में सबसे अनमोल रत्न है जो माँ सब कुछ बच्चे को हर तरीके से सिखाती है। आगे देखिए और हम सीखते हैं सी प्लेज अ क्रूशियल 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 मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सी प्लेज प्लेज मतलब होता है यहाँ पे अदा करना यानी रोल और रोल मतलब होता है कोई भी रोल। तो सी प्लेज अ क्रूशियल क्रूशियल मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आप ले सकते हैं क्रूशियल मतलब। तो सी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हर चाइल्ड यानी वह अपने होलिस्टिक मतलब क्या होता है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से यानी जिंदगी जैसे जीना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। होलिस्टिक का मतलब क्या हो गया व्यवस्थित तरीके से। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है विकास क्या लिखा हुआ है डेवलपमेंट क्या पढ़ेंगे इसे आप डेवलपमेंट DEVELOPMENT डेवलपमेंट ऑफ हर चाइल्ड माँ के लिए हर का होता है यानी किसी भी माँ के लिए नहीं किसी भी अगर फेमिनिन जेंडर हो तो उसके लिए किसका यूज होगा हर का। तो अब जरा इसको समझिए कि सी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हर चाइल्ड यानी वो अपने बच्चों के व्यवस्थित तरीके से यानी अच्छे से विकास हो अच्छे से कि अपने बच्चे के विकास के लिए वह में वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल का खेला करती है। मतलब प्ले मतलब होता है यहाँ पर खेलना नहीं करना यानी रोल अदा करना यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ताकि उसके बच्चे का विकास कैसे हो अच्छे तरीके से हो। एंड और अटेंड्स टू द बेसिक डिमांड्स ऑफ हर फैमिली और साथ ही साथ वह अपने फैमिली मतलब क्या होता है परिवार फैमिली मतलब होता है परिवार इसको समझे फैमिली मीन्स परिवार और डिमांड्स मतलब क्या होता है यानी जरूरत मांग जरूरत कह सकते हैं या मांग कह सकते हैं किसी भी चीज का जरूरत मांग तो ये डिमांड्स। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग भी साथ साथ आपको याद करते चलना है सारा वर्ड आपको लर्न होना चाहिए सारे वर्ड याद करने। तो अटेम्प्ट्स टू द बेसिक मतलब होता है मौलिक डिमांड्स ऑफ हर फैमिली यानी अटेम्प्ट्स का मतलब होता है पूरा करना अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है पूरा करना। यहाँ पर तो कहता है कि वो अपने परिवार की जो बेसिक मतलब होता है मौलिक या मौलिक कह सकते हैं या आधारभूत कह सकते हैं आधारभूत या मौलिक कुछ भी कह सकते हैं बेसिक मीन्स यानी अपने परिवार की जो मौलिक जरूरत होती है उसको भी पूरा करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए द ब्यूटी ब्यूटी मतलब क्या होता है सुंदरता ब्यूटी मतलब क्या होता है सुंदरता ब्यूटी मीन्स सुंदरता। द ब्यूटी ऑफ अ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप रिलेशनशिप मतलब क्या होता है रिश्ता रिश्ता रिलेशनशिप मतलब क्या होता है रिश्ता। तो रिलेशनशिप मीन्स होता है रिश्ता यानी ब्यूटी ऑफ अ मदर चाइल्ड यानी माँ और बेटे मदर चाइल्ड मीन्स माँ और बेटे की जो रिश्ते की जो सुंदरता है इज दैट कि हर लव यानी उसका जो प्यार होता है यानी माँ जो अपने बच्चे को प्यार करती है प्रेम करती है एंड सैक्रिफाइस और अपने बच्चे इसका मतलब होता है बलिदान सैक्रिफाइस का मीन्स होता है बलिदान यानी जो अपने बच्चों के लिए जो बलिदान देती है जीवन भर कितनी बलिदान देती है छोटे बच्चे को धीरे धीरे लाड़ प्यार से उसे पालती है फिर बड़ा करती है यानी अपना पूरा का पूरा बच्चों के लिए सारा सब कुछ खुशी सारा धन बहुत कुछ सारा सैक्रिफाइस कर देती है यानी बलिदान कर देती है बलिदान कर नो बॉन्ड्स यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो माँ मदर और चाइल्ड माँ और बेटी की जो रिश्ते की जो सुंदरता है वो ये है कि उसके प्यार और सैक्रिफाइस बलिदान यानी प्रेम और बलिदान की कोई बॉन्ड्स नहीं यानी नो बॉन्ड्स यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई यानी इतना ज्यादा है कि उसे कोई इससे ज्यादा गहरा और कुछ हो ही नहीं सकता यानी माँ जो अपने बेटे को लिए अपने बेटे को जो प्रेम देती है अपने बच्चे को जो प्रेम देती है उसको और उसके लिए जो बलिदानी देती है यह उससे उसका कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, नो बॉन्ड्स, कहता है कि नो नो बॉन्ड्स, कोई सीमा नहीं है, वह जितना अधिक से अधिक हमेशा अपने बच्चों को प्रेम करना चाहती है। तो नो नो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब होता है कि कोई उसकी सीमा नहीं है। आगे देखिए सी, फिर रखती है सी, माँ के लिए जो है कौन, वह माँ, सी माँ के लिए, सी इज लाइक अ गाइडिंग स्टार, गाइडिंग स्टार मतलब होता है कि ऐसा तारा, स्टार मतलब क्या होता है तारा, और गाइडिंग मतलब ऐसा तारा जो हमें क्या करती है, गाइड करती है, रास्ता दिखाती है। तो गाइडिंग स्टार मतलब होता है रास्ता दिखाने वाली तारा, तो इज लाइक गाइडिंग स्टार, वह है हमें रास्ता दिखाने वाली क्या होती है, तारा होती है। लिखेंगे इसका मीनिंग आप समझ के लेंगे, रास्ता दिखाने वाली तारा। टीचर मतलब होता है शिक्षक, टीचर मतलब क्या होता है शिक्षक, यानी एंड बेस्ट फ्रेंड, यानी माँ एक ऐसी गाइडिंग स्टार है, यानी रास्ता दिखाने वाली तारा है, वह हमारी शिक्षक भी है और साथ ही साथ हमारी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त, या भी है एंड बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है सबसे अच्छा दोस्त, तो उसको भी याद रखेंगे। एंड गाइडिंग स्टार, टीचर एंड द यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर एंड के बाद क्या लगेगा द, एंड द बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट कंपेरेटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज किए, ठीक। एंड हु ऑलवेज स्टैंड्स रॉक बिसाइड हर चाइल्ड एंड फैमिली अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस, तो इस पे जा देखिए, कहता है कि हु जो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा, ऑलवेज मींस होता है हमेशा, जो हमेशा स्टैंड्स खड़ा रहती है, रॉक बिसाइड हर चाइल्ड एंड फैमिली अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस, यानी अपने बच्चों के लिए और फैमिली मींस परिवार, अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस, ये थोड़ा सा लंबा वर्ड्स है, इसको ध्यान समझेंगे। सरकमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति, क्या होता है सरकमस्टेंसेस मींस, आप लिख सकते हैं सरकमस्टेंसेस मींस होता है परिस्थिति, सरकमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति, यानी वह हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ा रहती है, बिसाइड हर चाइल्ड अपने बच्चों के लिए एंड फैमिली अपने परिवार के लिए, अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसा हो, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ा रहती है। अब आगे देखते हैं, आगे इसको समझिए, अब है माई मदर मैनेजेज ईच एंड एवरीथिंग इन द हाउस, यानी जो मेरी माँ है वह मैनेज, मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना, हर चीज का मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है, प्रबंध करना याद रखेंगे आप, प्रबंध करना ये वर्ब है। तो माई मदर मैनेजेज ईच, प्रत्येक ईच एंड एवरीथिंग, यानी सभी चीजों को इन इन द हाउस, यानी घर में हर चीज को व्यवस्थित करती है, मैनेज करती है। एंड और ऑलवेज मींस हमेशा, हमेशा पुट्स हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू द टेक केयर ऑफ मी एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्या हुआ इसका मतलब समझिए इसको, कि ये तो घर के सारा काम ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का व्यवस्थित करती है, हर चीज ठीक से रखती है, पूरे घर का काम करती है। एंड ऑलवेज और हमेशा पुट्स हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी वो हमेशा अपना कदम आगे रखती है, मतलब हमेशा आगे रखती है, यानी फुट हमेशा बेस्ट, सॉरी यहाँ फुट नहीं, यहाँ पे क्या होगा फुट, तो पुट्स हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू द, और टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ मींस होता है देखभाल करना, तो वह हमेशा आगे रहती है, अपना पैर आगे रखती है, मतलब हमेशा आगे रहती है काम में, मी मेरे लिए, मेरे लिए मेरी माँ है मेरे लिए, एंड और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स का मतलब क्या होता है सदस्य, परिवार का जो सदस्य होता है तो उसी को हम कहते हैं मेंबर, तो लिख लेंगे आप मेंबर मींस सदस्य ऑफ द फैमिली, और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, यानी जो ये तो ये हुआ समझिए इसको कि माय मदर मैनेजेज ईच एंड एवरीथिंग इन द हाउस, यानी घर में मेरी माँ हर चीज को व्यवस्थित करती है, अच्छे से रखती है, एंड ऑलवेज और हमेशा आगे रहती है, किस चीज के लिए, टेक केयर ऑफ, मेरा देखभाल करने के लिए, एंड मेरे परिवार के सभी सदस्यों के देखभाल करने के लिए। तो इसमें अभी और है, अब आगे देखिए, तो यहां से है कि डिस्पाइट बीइंग अ वर्किंग वुमन, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है के बावजूद, याद रखेंगे आप के बावजूद, बीइंग अ वर्किंग वुमन यानी सारा दिन काम करती है, वुमेन मतलब महिला,
तो सारा दिन वर्क करती है, वर्किंग वुमेन है, यानी हर दिन काम करती रहती है, और काम करने के बावजूद भी, यानी दिन भर वो माँ काम करती है, और काम करने के बावजूद भी सी कुक्स, कुक्स मतलब होता है पकाना, कुक्स मतलब क्या होता है पकाना, यानी हम खाना क्या करते हैं पकाते हैं पकाना। सी कुक्स द मोस्ट डेलिशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, याद कर लेंगे, अच्छा वर्ड से, अच्छा वर्ड है ये अपने आप में स्वादिष्ट। तो मोस्ट डेलिशियस डिशेस, डिशेस मतलब होता है खाना, क्या होता है थाली जिसको बोलते हैं थाली यानी खाना, तो थाली का ही या खाना का ही डिशेस फॉर द होल फैमिली, होल मतलब होता है पूरा, और फैमिली मतलब होता है परिवार, फैमिली मतलब होता है परिवार, पूरे परिवार के लिए डेली प्रतिदिन, समझिए पूरे सेंटेंस को। डिस्पाइट बीइंग अ वर्किंग वुमेन, यानी एक काम करने वाली महिला, यानी दिन भर काम करती है, हमेशा अपने काम में बिजी रहती है, तो काम करने के बावजूद भी सी कुक्स द मोस्ट डेलिशियस डिशेस फॉर द होल फैमिली डेली, यानी प्रतिदिन पूरे परिवार के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाती है, सबसे स्वादिष्ट थाली यानी खाना पकाती है, तो कितना प्यार करती है मां। इन माई ओपिनियन का मतलब होता है कि मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन मतलब मेरे विचार से, मेरे विचार से क्या पढ़ेंगे इसको, मेरे विचार से, मेरे विचार से या मेरे अनुसार कुछ भी कह सकते हैं। इन माई ओपिनियन सी इज द मोस्ट, सी यानी वह, सी इज द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है द मोस्ट, द मोस्ट का मतलब यह हुआ कि सबसे सुंदर, तो यानी कहता है कि इन मेरे विचार से सी यानी वह मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, यानी सबसे सुंदर आदमी है इन द इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, और वर्ल्ड मतलब होता है संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में, दुनिया में। एंड लुक्स आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक्स आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करना। द वेलफेयर मतलब कल्याण, वेलफेयर मीन्स क्या होता है कल्याण, कल्याण कल्याण ऑफ द इंटायर फैमिली, इंटायर मतलब होता है पूरा, अभी मैंने देखा था संपूर्ण पूरा, और फैमिली मीन्स होता है परिवार। तो समझिए कि मेरे विचार से, इन माय ओपिनियन सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, यानी वह इस दुनिया की सबसे सुंदर आदमी है, बिल्कुल है हमारी माँ, सबकी माँ, अपने माँ, जो अपने बच्चों के लिए वह दुनिया की सबसे सुंदर आदमी होती है, सबसे सुंदर औरत होती है, सबसे सुंदर व्यक्ति होती है इन द वर्ल्ड, इन द इंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं है। एंड लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर फैमिली, और पूरे परिवार के कल्याण के लिए, देखभाल करने के लिए भी उससे बढ़िया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी जितना माँ अपने परिवार के देखभाल करती है, अपने बच्चों को देखभाल करती है, उतना और कोई नहीं कर सकता। फिर सी, फिर माँ के लिए वह इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स मतलब होता है प्रदान करना, इम्पार्ट्स मतलब क्या होता है प्रदान करना, आपको लर्न करना है ये सारे वर्ड्स, आपको लर्न करना है, बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे कि फिर दोबारा हमें याद रहे, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स ही पावर है, आपके पास जितना वर्ड्स रहेगा इंग्लिश आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी, तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, वर्ड्स बार बार यूज करें, सेंटेंस लिखे, सेंटेंस को पढ़े, अपने आप आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तो सी इम्पार्ट्स मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य यानी मोरल, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा सच्ची सिखाती है कि क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो उसी को कहते हैं मोरल वैल्यूज, हमेशा हमें अच्छा चीज सिखाती है। और एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र, यानी नीति क्या कहता है, हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे चीजों को इसी को हम कहते हैं मोरल वैल्यूज या एथिक्स, नीति शास्त्र, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। ये सब कौन सिखाता है, माँ सिखाती है, टू मी यानी मेरे को, यानी सी इम्पार्ट्स वो हमें प्रदान करती है, इम्पार्ट्स का मतलब होता है प्रदान करना, तो सी इम्पार्ट्स वो हमें प्रदान करती है मोरल वैल्यूज यानी नीति सिखाती है हमें, मोरल वैल्यूज की हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज सिखाती है,
और एथिक्स नीति शास्त्र भी सिखाती है टू मी मेरे को एंड और सोच सोच मतलब होता है दिखाना यानी वह हमें दिखाती है क्या दिखाती है मी मुझे द राइटियस मतलब सही पाथ सही रास्ता राइटियस पाथ मतलब सही रास्ता जो उचित रास्ता हो हमारे लिए अच्छा रास्ता हो हमारे जीवन में आगे ले जाए हमें अच्छे कर्मों की तरफ ले जाए तो वो रास्ता हमें सिखाती है पाथ ऑफ लाइफ यानी हमारे जीवन की एक ऐसी रास्ता सिखाती है जो हमें आगे तक अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा तो वो रास्ता हमें अपनी माँ सिखाती है फिर आई लव माई मदर मैं अपने माँ से प्रेम करता हूँ या करती हूँ वेरी मच बहुत ज्यादा मैं अपने माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ प्यार करती हूँ एंड या करता हूँ लड़की है तो करती हूँ जैसे एंड और प्रे और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेम होता है प्रार्थना करना ठीक है याद रखेंगे आप लोग प्रेम होता है प्रार्थना करना और मैं प्रार्थना करती हूँ टू द अलमाइटी ईश्वर से अलमाइटी क्या होता है ईश्वर भगवान मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि टू ऑलवेज वह हमेशा ब्लेस हर विथ गुड हेल्थ यानी भगवान हमेशा मेरी माँ को क्या दे ब्लेस मतलब होता है अपना आशीर्वाद दे विथ गुड हेल्थ ताकि वह हमेशा उसका स्वास्थ्य क्या रहे अच्छा रहे हेल्थ मतलब क्या होता है वह हमेशा स्वास्थ्य उसका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहे स्वास्थ्य ठीक है उसका स्वास्थ्य क्या रहे अच्छा रहे हेल्थ याद कर लेंगे अच्छा वर्ड है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे एंड और हैप्पीनेस और हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी यानी माँ यानी ये कहना चाहता है बच्चा कि मैं अपने माँ से बहुत प्रेम करता हूँ आई लव माई मदर वेरी मच एंड और प्रे टू द अलमाइटी और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रेयर करते हैं कि वह ऑलवेज ब्लेस भगवान हमेशा उनको आशीर्वाद दे उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे ताकि उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे अपनी माँ के लिए कामना करते भगवान से कि मेरी माँ की स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे एंड हैप्पीनेस और वह हमेशा खुश रहे तो ये तो माँ के ऊपर ऐसे था अब आप लोग जरा आप भी इन ऐसे को पढ़ के जरूर अपने माँ से जरूर प्रेम करेंगे हमेशा माँ का कहना माने और हमेशा क्योंकि माँ हमेशा अच्छा ही सिखाती है तो हमेशा अपने माँ से प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल भी मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने माँ की देखभाल करना जब वो बूढ़े हो जाए तो मेरा कर्तव्य है कि उनका देखभाल करना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है जिस तरीके से वो मुझे देखभाल करती है उस तरीके से मेरा भी काम करता है मेरा भी ये अधिकार है मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जब वो उनको जरूरत हो मेरी तो हमें करना चाहिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा और आप लोग अपने जीवन में भी इन चीजों को सीख पाएंगे तो चलिए पढ़िए इसको समझिए सारे वर्ड्स को याद अच्छे से लर्न कीजिए तब तक के लिए खुश रहिए बाय टेक केयर।